ए टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा हो तो दो बातें पता चल जाएं आपको, फौरन से आप डेटा में लिख लें। वो कौन सी बातें हैं? वो ये है कि एक तो टॉप पे जाके वो ऑब्जेक्ट रुकता है एक लम्हे के लिए, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो होती है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, गैलीलियो ने कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उस वक्त नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है और उसकी वैल्यू -10 होती है, जी की वैल्यू -10 होती है। ये हमने गैलीलियो के टॉपिक में पढ़ा था, तो आप देख सकते हैं कि हमने डेटा में सबसे पहले डेटा में देखें हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है सिंस बॉल इज मूविंग अपवर्ड, बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बॉल जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमेशा जीरो के बराबर होती है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद चूंकि ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जाए तो एक्सेलरेशन -10 के बराबर होता है, गैलीलियो ने हमें बताया था, तो हमने लिख दिया -10 ms -2। और उसने हमें यह भी बताया हुआ था कि ऊपर की तरफ जब हमने उसको हिट किया है बॉल को, जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ हिट किया है तो उस वक्त वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकंड थी। तो ये टॉप पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो डेटा में लिखी नहीं हुई है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे डेटा में स्टार्ट में हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी वो रुक गया, जीरो आ गया, एक्सेलरेशन जो है वो -10 के बराबर आ गया। आगे वो कहता है इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगा वो 3 सेकेंड था, तो हमने टाइम लिख दिया जो कि 3 सेकेंड है, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो टी हमने कितना लिख दिया, 3 सेकेंड्स। उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। दो बातें मालूम करने को कहता है, एक तो वो कहता है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट का मतलब नीचे से ऊपर तक जो डिस्टेंस है वो आप बताएं कितना होगा। तो नीचे से ऊपर तक जो डिस्टेंस है वो हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एस, ये हमने मालूम करना है। और साथ में वो कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टोटल टाइम टी जो है टाइम वो हमने कैलकुलेट करना है, तो टोटल टाइम जो है वो हमने मालूम करना है। तो आप एक बात जेन नशीन कर लें कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो आपने फाइनल वेलोसिटी जीरो लिखनी है और ए की वैल्यू -10 ms -2 लिखनी है गैलीलियो के मुताबिक। टाइम जो है उसने 3 सेकंड दे दिया नीचे से ऊपर तक जाने का बॉल का, और हाइट मालूम करने को कहता है जो कि हाइट ऐसी होती है डिस्टेंस है नीचे से ऊपर, और टोटल टाइम टी हमने मालूम करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एस मालूम करना है। एस मालूम करने के लिए चूंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आ रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड उसने दे दिया है, तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है जिसमें एक चीज अननोन हो और बाकी चीजें नोन हो। तो हमने तीनों इक्वेशंस में से देखा कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो इसमें एस अननोन है और बाकी चीजें नोन है। तो हमने लिख दिया सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तमाम वैल्यूज जो हैं इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा वी आई की जगह पे 30 इनिशियल वेलोसिटी, टाइम उसने 3 सेकंड दिया हुआ था हमने 3 लिख दिया, प्लस 1/2 ए की वैल्यू -10 हमने डेटा में लिखी हुई है, और टी की वैल्यू 3 दी हुई थी, 3 स्क्वेयर आ गया। अब 3 का स्क्वेयर जो होता है वो 9 होता है, और 2 और 10 को डिवाइड कर दें तो -5 आ जाता है, तो इसलिए हमने लिख दिया 90, 30 और 3 को मल्टीप्लाई किया 90, प्लस 2 को -10 से डिवाइड कर दिया तो -5, और 3 का स्क्वेयर 9 आ गया। तो
माइनस फाइव और नाइन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, तो ये हमारे पास आ गया 90 माइनस 45, और एंड में हमारे पास आ गया 90 में से 45 निकाल के 45 मीटर्स, एंड में हमारे पास क्या आ गया 45 मीटर्स। उसके बाद उसने कहा था टोटल टाइम निकालो, तो एक बात याद रखें, जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जितनी टाइम से वो ऊपर की तरफ जाता है उतने टाइम से वो नीचे की तरफ आता है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है एंड में फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी वो लिखता है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड। तो हमने मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि हाइट मालूम करनी है, और ऊपर जाएगा और फिर जाके वापस आएगा तो कितना टाइम लगेगा उसको जमीन तक आने में। तो जब किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो जिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा होता है उतने ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो नीचे आता है, तो टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम डाउन। तो इसलिए हमने लिखा टोटल टाइम ऊपर जाने का तो 3 था और नीचे आने का भी 3 होगा, तो टोटल 6 सेकेंड। हमने क्या लिखा, एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा हो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म ही रहता है, हेंस द टाइम टेकन बाय द बॉल टू गो अप विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द बॉल टू कम डाउन, सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 + 3। तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया 6 सेकेंड्स। गाड़ी की शुरू में वेलोसिटी जो है उसने हमें दे दी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अब देखें तो सबसे पहले हमने डेटा में ये लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट तक जो है वो मूव करता है और उसका एक्सेलेशन 0.2 है। तो हमने लिख दिया एक्सेलेशन 0.2 ms माइनस 2 है और टाइम हाफ मिनट है, और हाफ मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करें तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 सेकंड। वैसे आप जानते हैं हाफ मिनट में 30 सेकंड होते हैं, तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, तो हमने मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया। उसके बाद वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, एक चीज वो कहता है कि वो डिस्टेंस मालूम करो, तो हमने डिस्टेंस मालूम करना है। और सेकंड पार्ट में वो कहता है एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी हमने मालूम करनी है, वीएफपी हमने मालूम करना है। तो ओवरऑल डाटा में उसने हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दी 10 ms माइनस 2 से कार जा रही थी, उसका एक्सेलरेशन 0.2 था, टाइम जो लगा था वो हाफ मिनट था जो कि 30 सेकंड के बराबर है। वो कहता है कि डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट को पहले देखें, अगर हमने एस मालूम करना है, वी आई गिवन, ए गिवन, टी गिवन और एस मालूम करना है, तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें एस अननोन हो और बाकी चीजें हमारे पास नोन हो, तो वो इक्वेशन हमने अप्लाई करनी है। तो ऐसी इक्वेशन जो है वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें एस अननोन है और बाकी तमाम चीजें नोन है, वी आई टी ए टी ये सब वैल्यूज जो है हमारे पास नोन है। तो ये वैल्यूज जो है ये हम पुट कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले वी आई की वैल्यू पुट की वो 10 है, टी की वैल्यू पुट की 30 है, 1/2 ए की वैल्यू पुट की 0.2 है और टी की वैल्यू पुट की 30 का स्क्वायर आ गया, 30 का स्क्वायर तो 900 हो गया, 0.2 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 0.1 आ जाता है, और शुरू में अगर हम 10 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 300। तो जी हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू 300 प्लस 0.1, 2 को 0.2 से कट कर दिया तो 0.1 आ गया, 30 का स्क्वायर ले लिया 900 आ गया, 900 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। तो हमारे पास 90 और 300 को आपस में ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 390 मीटर्स। तो डिस्टेंस जो उसने कहा था वो हमारे पास आ गया 390 मीटर्स।
उसके बाद वो कहता है बी पार्ट में कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करें। फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए ऐसी क्वेश्चन लगानी है जिसमें फाइनल वेलोसिटी अननोन हो और बाकी चीजें नोन हो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई की जिसमें वी एफ अननोन है और वी आई और ए टी नोन है हमारे पास, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी आई की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 0.2 है, टी की वैल्यू 30 है। 10 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का निशान नहीं बल्कि 10 प्लस 60 आ गया, यानी कि 0.2 और 30 को मल्टीप्लाई किया 60 आया, और दरमियान में प्लस का निशान होना चाहिए, तो 10 प्लस 60 जो है वो हमारे पास आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। तो ये जो मैंने इसको बोल्ड किया है ये प्लस का निशान है यहाँ पे। 2.5 है हमारे पास, ए कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखें यूनिफॉर्म जी 2.5 स्टार्ट से हम शुरू करते हैं। 2.5 में वो कहता है कि एक कार जो है वो 5 सेकंड तक जो है वो ए की वेलोसिटी से जा रही थी 40 मीटर पर सेकंड। तो हमने शुरू में लिख दिया कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकंड थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज जा रहा हो तो हम उसको इनिशियल फाइनल नहीं कहते हैं बल्कि उसको हम वी लिख के हम लिख देते हैं कि उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। तो आप देख सकते हैं 2.5 में हमने सबसे पहले लिख दिया वी की वैल्यू 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद पहले 5 सेकंड में उसने क्या किया, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव करता रहा।
और टाइम जो है वो उसने बताया था 5 सेकेंड, तो हमने लिख दिया 5 सेकेंड। और डिस्टेंस फर्स्ट करें हमने इसका मालूम करना है, वो अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 5 सेकेंड का डिस्टेंस मालूम करना था। तो अभी फिलहाल इस हिस्से में देखें कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी गिवन है, टी 5 सेकेंड है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो फार्मूला इन तीनों का है, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी, रीअरेंज करें तो एस इज इक्वल टू वी टी, वी की वैल्यू 40, टी की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई किया तो 200 मीटर आ गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने टोटल डिस्टेंस मालूम करने को कहा था, पहले 5 सेकंड वाला की भी जरूरत थी डिस्टेंस की, इसलिए हमने ऊपर निकाला है। वो कहता है इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में वो रुक जाता है, यानी कि अगले 10 सेकंड में उसके टाइम 10 सेकंड है जैसा कि मैंने डाटा में लिखा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 40 है क्योंकि 40 वेलोसिटी से जा रहा था, ब्रेक लगा के वो रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। और कहता है फाइंड डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन एक्सेलरेशन होता है, वो हमने निकालना है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, टोटल डिस्टेंस उसने कहा है, इसका मतलब है 10 सेकंड का भी डिस्टेंस चाहिए उसको और 5 सेकंड का भी चाहिए। 5 सेकंड का तो हमने ऊपर निकाल लिया है और अगले 10 सेकंड का हम यहाँ पे निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऐसी इक्वेशन जिसमें वी एफ वी आई टी और एक्सेलरेशन आता हो, एक ही चीज अननोन हो, तो वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये वाहिद इक्वेशन है जिसमें ए अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू 10 है, ए मालूम करना है, वी आई की वैल्यू 40 है, वी एफ की वैल्यू 0 है, 40 ऐड हो रहा है दूसरी साइड में जाके वो माइनस हो गया, और 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ए से दूसरी साइड में जाके वो डिवाइड हो गया। तो हमारे पास आ गया -40 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू -4 ms - 2। तो एक्सेलरेशन जो हमने निकालना था, रिटार्डेशन नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्लेरेशन, यानी कि रिटार्डेशन पैदा हुआ है, वो हमने निकाल लिया। अब उसने कहा था सेकंड पार्ट में डिस्टेंस भी मालूम करो, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए ऐसी इक्वेशन जिसमें डिस्टेंस अननोन हो, बाकी चीजें नोन हो, तो वो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तमाम वैल्यूज हमारे पास डेटा में मौजूद हैं, वी आई 40 है, टी हमारे पास 10 है, ए की वैल्यू हमारे पास -4 है और टी की वैल्यू जो है वो 10 है हमारे पास, ए अभी हमने निकाला था। इसको सॉल्व करें तो 2 को 4 से डिवाइड करें तो -2 आ जाता है, और 40 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 400 प्लस -2 और साथ में 10 का स्क्वायर 100, और -2 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो -200, 400 -200 200 आ गया। ये अगले 10 सेकंड में डिस्टेंस 200 था और पहले भी 200 था, पहले 5 सेकंड में, दोनों को आपस में प्लस कर दें तो 400 मीटर का टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हमारे पास 4